हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडीज सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास टेंथ का मैथ डॉक्टर के सी सिन्हा को एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5। 5 का सारे प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करूंगा। इसके पहले 4 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर एक प्ले लिस्ट बना होगा वास्तविक संख्या से, और बिल्कुल लगातार सोल्यूशन आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर। आपको डिस्कशन होते हुए भी सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पे प्रश्न आपको बोल रहा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो चलिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 5 का फर्स्ट में कह रहा है 6+√2 जो है ये, इसको सिद्ध करके आपको लाना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख दिया हूं और यहाँ पे मैं एक इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कुछ मानूंगा। मानना यह है कि माना कि लिखेंगे सबसे पहले माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या। हमें सिद्ध करके क्या लाना है, अपरिमेय। तो सिद्ध करने वाले प्रश्न में मैं अक्सर आप लोग को बोलते आ रहा हूं कि सिद्ध करने वाले प्रश्न में हम लोग अक्सर उल्टा मानते हैं, जो सिद्ध करने के लिए बोलता है उसका उल्टा मानते हैं। अगर अपरिमेय बोला तो इसे परिमेय मानेंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, 6+√2 क्या किए, एक परिमेय संख्या मान ली है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखे, 6+√2 p/q, क्यू का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे √2 को इसी प्रकार से छोड़ दिए हैं और ये 6 जो है ये राइट हैंड साइड में भेज दिए, तो p/q -6 हो जाएगा। आगे में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे बटम कुछ नहीं तो 1 है और क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे क्यू से, क्यू कट जाएगा यानी कि 1 आएगा, 1 में पी से गुना होगा तो पी आ जाएगा। बीन का घटा है ये, 1 में क्यू से भाग देंगे तो क्यू आएगा और क्यू में 6 से गुना होगा तो 6 क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन हुआ। यहाँ पे √2 बराबर क्या आ गया, p-6q/q आ गया। और आगे सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आगे सोल्यूशन नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, √2 है, √2 हम लोग जानते हैं कि यह परिमेय संख्या होता है। और RHS में क्या आया, p-6q/q आया, तो इसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको रूल से एक बताए थे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते है, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा था मेरा मानना गलत है, इसलिए 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आप फटाक से इसे नोट कर लें और चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो हमें कह रहा है 5-√3 ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके लाना था। सबसे पहले लिखेंगे माना कि, मानेंगे यहाँ पे 5-√3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे। इसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, 5-√3 बराबर जब परिमेय है तो p/q मान लेंगे और यहाँ पे क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे आगे सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे p-p/q है ना, तो p/q को हम LHS में लेके आ गया और √3 को इधर माइनस में था तो उधर भेज दिए राइट हैंड साइड में, प्लस में हो गया। यहाँ 5 रह गया, p/q क्या है, प्लस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में गया तो माइनस में हो गया। अब बराबर इधर -√3 इधर गया तो प्लस में हो गया। और आगे इसको क्या किए हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन किए हैं, तो यहाँ पे बटम कुछ नहीं तो भिन्न का घटाव बना दे, बटम कुछ नहीं तो 1 है, क्यू में 1 का एलसीएम लेंगे तो क्यू हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे तो क्यू आएगा, 5q हो गया, माइनस यहाँ पे क्यू से क्यू कट गया, 1 आया, 1 में पी से गुना तो पी आ, यानी कि 5q-p/q आ गया बराबर में √3 हो गया। अब इसको हम लोग जानते हैं कि √3 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और 5q-p/q जो है ये हमारा परिमेय संख्या। हम लोग एक बात जानते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः मेरा मानना जो होगा वो गलत हो गया। क्या माने थे, 5-√3 एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा मान गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, 5-√3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज आता है बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितना व्यू गया अगर जो आप लोग सब्सक्राइब करते तो मैं काफी आगे रहता। देखिए यहाँ पे
पांच का तीन में बोल रहा है दो प्लस रूट दो, इसको सिद्ध करना। तो इसको सिद्ध करने के लिए मानेंगे पांच दो प्लस रूट दो एक परिमेय संख्या है और इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे तो रूट दो को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और जो दो जो यहाँ पे है उसको इधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा। यहाँ बटन कुछ नहीं तो इसको भिन्न का जोड़ बना लो, भिन्न का घटाओ रूट दो हो जाएगा बराबर यहाँ पे पी माइनस, मतलब आपको भिन्न का तो घटाओ आता ही होगा, क्यू और वन का एलसीएम क्यू हो जाएगा, क्यू में क्यू से भाग देंगे तो वन आएगा, वन में पी से गुना होगा तो पी आएगा, माइनस तो माइनस हो जाएगा, वन में क्यू से भाग देंगे क्यू से वन में भाग देंगे तो क्यू आएगा, क्यू में दो से गुना होगा तो दो क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट दो जो है हमारा अपरिमेय संख्या है और पी माइनस टू क्यू बाई क्यू जो हमारा ये परिमेय संख्या, तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अतः मेरा मानना गलत है, इसलिए दो प्लस रूट अंडर दो एक अपरिमेय संख्या होगा। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखो पांच का चार, पांच का चार में यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्री प्लस रूट पांच एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। ऐसे ही मानेंगे माना कि थ्री प्लस पांच रूट दो एक परिमेय संख्या, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख लेंगे और इसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही रख देते हैं बराबर में, इसके तीन को इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते हैं तो माइनस में हो जाता है और इसको थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा क्यू और यहाँ पे क्यू में क्यू से भाग देंगे तो वन में पी से गुना होता है पी माइनस, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो वन में यहाँ पे कितना आ जाएगा क्यू, क्यू में तीन से गुना होता है थ्री क्यू हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि पांच रूट दो भी हमारा अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट दो एक अपरिमेय संख्या, या तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन पांच जो इधर गुना में उधर भेज देंगे तब भागा हो जाएगा तब पांच की हो जाएगा, या तो आप यहाँ पे पांच रहने देते तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे रूट दो अपरिमेय संख्या या तो पांच रूट दो एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाता p माइनस सिक्स क्यू बाई क्यू परिमेय संख्या, यहाँ पे पांच हटाएंगे तो यहाँ पांच आ जाएगा, यहाँ अगर हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, बात बराबर है आपका। तो ये हमारा क्या हो गया, मानना गलत हो गया और यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अतः मेरा मानना गलत है, छह प्लस रूट दो एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांच का पांच में, तो पांच का पांच आपका क्या कहता है, कह रहा है थ्री रूट अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट दो, तो इसको हम लोग को सोल्यूशन करना, मान लेंगे माना कि रूट अंडर थ्री माइनस रूट अंडर टू एक परिमेय संख्या है और इसको सोल्यूशन करेंगे पी बटा क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू एक पूर्णांक है और यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा रूट अंडर थ्री माइनस अंडर रूट दो का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो ए के जगह पर रूट थ्री है तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के जगह पर क्या है रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी होता है तो टू हो गया और ए के जगह पर थ्री है तो रूट थ्री इंटू बी के जगह पर रूट टू है तो रूट टू हो जाएगा और यहाँ पे पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आगे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रूट तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो तीन बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच गया ये दोनों कट जाएगा, यहाँ तीन बच गया दो बच गया तो तीनों दो जुट गया तो पांच हो गया और यहाँ पे देखो दो माइनस है तो माइनस दो हो जाएगा और रूट के अंदर वाला क्या होता है गुना हो जाता है तीन गुना छह हो जाएगा तो रूट दो रूट छह हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा आप इसको और सोल्यूशन कर लेंगे, माइनस ये हो गया माइनस फाइव और इसको उस साइड ले चल गए तो माइनस पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर हो गया बराबर रूट ये ऐसे ही रहेगा। एक बार और सोल्यूशन कर लेंगे, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं था एक आ गया एलसीएम लेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर भाग देंगे तो आएगा और पांच क्यू स्क्वायर हो जाएगा गुना होता है माइनस यहाँ से क्यू स्क्वायर कट गया वन आया वन में पी स्क्वायर से गुना होता है पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर दो रूट सिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए अब हम लोग जानते हैं कि दो रूट छह जो है हमारा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कौन है पांच क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, ये हमारा परिमेय संख्या परिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, अतः मेरा मानना गलत हो गया इसलिए लिख देंगे रूट थ्री माइनस रूट दो एक परिमेय संख्या। बात समझ गए, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आगे आपका छह में है रूट सात और माइनस रूट पांच को आपको सिद्ध करना, तो ऐसे ही आप लोग को क्या करना है आप परिमेय मान लेना है और पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पे टूट जाएगा पी स्क्वायर पर पी स्क्वायर हो जाएगा, ए के जगह पे रूट सात है रूट सात का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के जगह पे क्या है रूट पांच है तो पांच का रूट पांच का स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू ए बी, ए के जगह पे क्या है रूट सेवन और बी के जगह पे ये है, तो इसका सोल्यूशन कर लेना है पी का स्क्वायर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सात स्क्वायर से रूट कट जाएगा यहाँ बचेगा सात और यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा बचेगा पांच, सात और पांच कितना हो गया बारह और माइनस यहाँ पे दो हो जाएगा और सात बचे पैंतीस हो जाता है रूट के अंदर वाला गुना और बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो गया। अब आगे थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, ये उधर चला जाएगा माइनस में और ये इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रूट दो जो है हमारा यहाँ पे एक बार और थोड़ा सा सोल्यूशन किया गया है, एलसीएम लिया गया, भिन्न का घटाव बना दिया गया, तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर बराबर इतना आ गया है। अब हम लोग जानते हैं कि 2√35 जो हमारा परिमेय है और ये हमारा क्या है परिमेय है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमारा अपरिमेय ही होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। ठीक है, अब नहीं है हमारा दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।